नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राजकिश, हम बात करने वाले हैं बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के अंतर्गत जो आप लोगों का आवेदन है वहाँ पे शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का ऑफिशियली यहाँ पे डेट जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यहाँ पे जो बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे बताया गया कि आप लोग यहाँ पे विशेष कैंप लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत जो आप लोग का यहाँ पे आवेदन है वो यहाँ पे लिया जाएगा। इसमें जो बच्चे होते हैं और इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चे और महिलाओं के लिए जो है आप लोग का ये आवेदन होता है। अब किस तरीके से आंगनबाड़ी में आप लोग का आवेदन लिया जाता है, क्या क्या आप लोग को लाभ मिलता है, किस तरीके से लाभ मिलता है, सब कुछ आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। तो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आप लोगों को सारा जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे रेड का सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यहां पे आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोगों का समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहां पे जारी किया गया है। यहां पे जो है सारा जानकारी आप लोगों का दिया गया। अब ये नोटिस सबसे पहले कहां मिलेगा और कहां से आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि क्या-क्या लाभ आप लोगों का मिलने वाला है, क्योंकि इस नोटिस में जो है सिर्फ आप लोगों का जानकारी दिया गया कि कब से कब तक आवेदन होने वाला है और कौन-कौन लोग यहां पे आवेदन कर सकते। तो यहां पे आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उस पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पे लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना में आप लोग को चेक करना है, बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना 2023। अगर नहीं मिलता है तो यहां पे आप लोगों को बिहार आंगनबाड़ी सर्च करना है तो आप लोगों को ये पोस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको जो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है वो यहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे मैंने जो लाभार्थी योजना के बारे में पूरा जानकारी दे रखा है, आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहां पे मैंने जो पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आप लोगों को लाभ मिलता है, यहां पे किस तरीके से आप लोगों का आवेदन होता है वो भी आप लोगों को यहां पे जानकारी दिया गया, डेट आप लोगों का बताया गया। तो आप लोगों का जो शिविर लगने वाला जो विशेष यहां पे शिविर आप लोगों का लगाया जा रहा है वो 16 जनवरी से लेकर जो है 15 फरवरी तक आप लोगों का लगने वाला है, यानी कि मान सकते हैं कि एक महीना जो है आप लोगों को विशेष शिविर यहां पे लगाया जाएगा। उसके बाद नीचे की जगह तो यहां पे आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, किस तरीके से आप लोगों का आवेदन होगा, कौन कौन से लोग यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और सबसे नीचे की जगह तो यहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे देख पाऊंगे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पे जो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस है वो कुछ इस तरीके से यहां पे ओपन हो जाएगा और यहां से आप जो ऑफिशियल नोटिस है उसको यहां पे पढ़ पाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में किस तरीके से जानकारी दिया गया है। तो यहां पे आप देख लीजिए, आप लोगों का जानकारी दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर लाभार्थी का पंजीकरण एवं पंजीकृत लाभार्थियों का आधार सत्यापन कराना आवश्यक है। दोस्तों यहां पे क्या है कि बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों का एक एप्लीकेशन बनाया गया पोषण ट्रैकर, उसी एप्लीकेशन पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना यहां पर जरूरी है, तो इसीलिए जो है आप लोग यहां पर जानकारी दिया जा रहा है। अब आंगनबाड़ी की तरफ से आप लोगों को बहुत सारा यहां पर लाभ दिया जाता है, जो यहां पर गर्भवती महिला होती है उनके लिए अलग से आप लोगों का लाभ मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप लोगों का अलग से लाभ दिया जाता है, यहां पर पैसा भी मिलता है, साथ में यहां पर जो है आप लोगों का भोजन भी मिलता है और भी बहुत सारा चीज जो है यहां पर सरकार की तरफ से आप लोगों दिया जाता है। तो उन सभी चीजों का लाभ लेने के लिए आप लोगों को यहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पे बताया दोस्तों कि आधार सत्यापन के उपरांत पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा, यानी कि यहां पे जो पोषाहार के रूप में जो बहुत सारी चीज दिया जाता है तो वो भी आप लोगों को यहां पे मिलने वाला है। यहां पे बताया गया कि सभी छूटे हुए लाभार्थी का आधार सत्यापन हेतु सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप लोग यहां पे 16 जनवरी से लगने वाला है और 15 फरवरी तक आप लोग का जो शिविर है वो यहां पे लगने वाला है। तो ये जो है आप लोग यहां पे जानकारी दिया गया है। अब नीचे यहां पे और भी जानकारी दिया है कि किस तरीके से यहां पे जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो यहां पे आप लोग को बताया है कि आय पोषण ट्रैकर ऐप में सभी लाभार्थी अपना पंजीकरण एवं आधार सत्यापन कराएं, यानी कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आप लोग यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो यहां पे आप लोग का 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका यहां पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, गर्भवती महिला होती है उनका जो यहां पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है पोषण ट्रैकर पे, एवं आधार सत्यापन जिनका नहीं हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है तो उनका यहां पे आधार सत्यापन भी किया जाएगा। ये सब जो आप लोग का होने वाला है दोस्तों वो आप लोग का बाल विकास परियोजना कार्यालय जो कि आप लोग के ब्लॉक में होता है वहां पे आप लोग का होने वाला है। आप अपने ब्लॉक स्तर पे जाइएगा तो वहां पे आप लोग का जो ये शिविर है वो आप लोग का लगाया जाएगा। यहां पे आप लोग का बता दो कि आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक क्षेत्र के सभी छूटे हुए लाभार्थी के पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर पंजीकरण एवं पंजीकृत लाभार्थियों का आधार सत्यापन हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से संपर्क करें, यानी कि अगर आप लोग को अपने ब्लॉक स्तर पर नहीं जाना है तो ऐसे में आप लोग के जो आसपास का यहां पे आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे जो सेविका होंगे उनसे आप लोग वहां पे संपर्क करना है, वो आप लोग वहां पे जानकारी दे देंगे और वही जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इसमें आप लोग का नगद पैसा भी दिया जाता है, साथ में आप लोग का पोषाहार के रूप में और भी चीज यहां पे दिया जाता है, तो वो सब आप लोग को लाभ यहां पे मिलने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर महिला है तो आप यहां पे जो है आवेदन करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।